बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चिकन के कबाब। तो उसकी रेसिपी मैं आपको साथ फटाफट से शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 पाव के करीब ली थी चने की दाल, और साथ ही मैंने 1/2 kg के करीब लिया था चिकन, और इन दोनों को डालकर मैंने साथ ही कुछ स्पाइसेस डाले थे। इसमें गर्म मसाला था, हल्दी थी, कुटी हुई मिर्ची थी, नमक थी, और था इसमें साथ लहसुन अदरक का पेस्ट, और थी 1/2 मैंने साइज़ की प्याज। तो इसको डालकर मैंने कुक कर लिया था। काफ़ी हद तक कि कुक हो चुका था, तो फिर मैंने देखें इसमें तकरीबन चने की दाल में थोड़ी सी कसर थी, तो मैंने इसको हल्की आंच पर ही रखा था पकने के लिए। तो चने की दाल को मैंने फिर से 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दिया था। जब ये गल गई थी तो मैंने इसको पीस लिया था। उसके बाद मैंने इसको एक बारात या थाली में निकाल कर अच्छे तरीके से हाथ की मदद से किया था मिक्स। इसके अंदर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और एक प्याज को हैंड ग्रेटर की मदद से, मैंने प्याज को ग्रेट कर लिया था और इसको मैंने हाथ की मदद से कर लिया था मिक्स। इसके अंदर कोई स्पाइसेस शामिल नहीं करे थे, सब कुछ मैंने पहले ही डाल दिया था, बिल्कुल परफेक्ट था। नमक, मिर्चें, सब कुछ मैं पहले ही डाल दिया था, इसलिए इसमें बिल्कुल भी नीड नहीं थी किसी चीज़ की। अगर आपको स्पाइसेस की नीड हो तो आप इसमें स्पाइसेस डाल सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से किया था मिक्स। तो फिर मैंने सारी जो है टिक्की बनाकर तैयार करनी थी, तो मैंने हथेली की मदद, देखें आप तरीका, वैसे तो हर किसी को बनाना आता है लेकिन ये बिगनर्स के लिए भी एक अच्छी सी टिप्स इसके अंदर मैं साथ शेयर करूँगी, जिसको बनानी नहीं आती हैं उनके लिए ज़बरदस्ती मैं टिप शेयर करूँगी। तो देखिए किस तरीके से हमने फटाफट से टिक्की सारी बनाकर रेडी कर ली थी। तो एक टिप ये है कि जिसको टिक्की बनानी नहीं आती है, तो सबसे पहले आपने जितना आपको अमीदा लेना है ले लिया आपने, उसके बाद ये फिंगर की मदद से आपने इसको इस तरीके से प्रेस करना है, फिर आपने हथेली की मदद से इसको 4 से 5 मरतबा राउंड 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 ऐसे मूव करना है। फिर आपने ये कुछ इस तरीके का शेप बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आपने हथेली की मदद से इसको प्रेस कर देना है, तो साइडों से आपने हल्का हल्का टैप कर देना है। देखें कितनी ज़बरदस्त टिक्की बनकर तैयार है। तो अब हम इन टिक्कियों को सारी को फ्राई कर देंगे। तो टिक्की यहाँ पर हमारी बनकर बनाने के लिए तैयार है। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने हल्का सा ऑयल ग्रीस करा है। तो ये मैं प्लेट अपने लिए तैयार कर रही थी। मैं बहुत कम ऑयल में ही जो कबाब वगैरह हैं वो फ्राई करती हूँ। तो मैंने एक अंडे वाला बनाकर दिखाऊंगी और एक सादा बनाकर दिखाऊंगी आपको। तो मैंने बहुत लो फ्लेम पे इसको कुक करा था। अगर जब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी और रेसिपीज़ बनाकर तैयार करूँ। तो झटपट से बनकर ये तैयार हो गए थे, बहुत ही टेस्टी और यम्मी ये डिश बनकर तैयार हुई थी। उम्मीद करूँगी कि आप इसको पसंद करेंगे। तो अपना दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा प्यार देते हैं, ताकि मैं आने वाली रेसिपीज आपको और शेयर करती हूँ। शुक्रिया, और रेसिपीज़ को कीजिएगा इंजॉय।